एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल देखा उसमें हमने स्टोन को किसी हाइट से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया था। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन कि अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करती है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाकर अगर हम उसको छोड़ देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करती है, उसको अपने सेंटर के टुवर्ड्स खींचती है। अब यहां पर जब हमने स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया, इट मींस उसको हम ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। अब देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक किसी हाइट से नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। जैसे ही वो नीचे नीचे मूव करता है वैसे वैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। कैसे कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया तब हम उसको किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं। जैसे जैसे वो मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, एक पॉइंट ऐसा आएगा कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और फिर वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो यहां पे आपको बता दिया गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस जब आपने उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया उस टाइम पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब आपको बोला गया इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी आपको बता दी गई कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब आपको ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट ने जो स्टोन था उसने कितनी हाइट तक वो राइज हुआ, जब आपने उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया तो किस हाइट तक आने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। एक तो वो आपको बताना है, मींस डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। सेकेंड आपको बोला गया हाउ मच टाइम विल इट टेकन कि कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में, वापिस अर्थ तक आने में, वो भी आपको बताना है। तो देखो यहां पर सबसे पहले केस फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट के अंदर आपको डिस्टेंस मेजर करके बताना है कि कितना डिस्टेंस उस स्टोन ने कवर किया है। तो देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूज करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां से v की वैल्यू हमें पता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्टेंस ट्रेवल। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इट मीन्स s की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, वी स्केयर ये यू स्केयर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहां पर 2a को भी इस साइड लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में s के, जैसे इधर लेकर जाएंगे डिवाइड में चला जाएगा, बी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू s। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखो बी स्केयर, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 0
मीटर पर सेकेंड और वी का स्केयर था, इस सारे का क्या कर दोगे, स्केयर कर दोगे, माइनस साइन एज इट इज, यू स्केयर, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड सारे का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, मल्टीप्लाई में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो देखो 0, 0 का स्क्वेयर 0 रहेगा, 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई में 10 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर, इट मीन्स उस स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1.25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकंड कि उसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है। तो अब केस नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की एक हाइट तक राइज होने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अर्थ के टूवर्ड्स मूव करना शुरू कर देता है, इट मीन्स यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी आपको पहले से गिवन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 1.25 मीटर। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि इस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब थ्रो किया गया इसकी वेलोसिटी 0 होने तक इसको कितना टाइम लगा वो डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम टेकन आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इस स्टोन को उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है। तो देखो टाइम कैलकुलेट करना है अब आपको, तो यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो यहाँ पर v की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड की है, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। तो देखो u इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपके पास कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है इज इक्वल टू यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस ए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में टी। तो अब देखो यहाँ पे इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जो एक्सेलरेशन है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं मींस ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको मूव करवा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होती है नेगेटिव होती है। फर्स्ट केस में भी आप इसको नेगेटिव लेकर चलोगे तो वहां नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा 1.25 मीटर। तो यहाँ पर भी हमें इसको क्या लेकर चलना है नेगेटिव लेकर चलना है, इसको इधर लेकर आओगे, इसको इधर लेकर आओगे तो ये साइन क्या रहेगा एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में टी, अभी टी के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो माइनस 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 सेकेंड्स। तो उस स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस स्टोन ने 0.5 सेकेंड्स में वो सारा डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम भी आपको पता चल गया और डिस्टेंस भी आपको पता चल गया 1.25 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में था क्या, आपको बता रखी थी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं उस टाइम पर किसी एक हाइट तक जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है 0, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन आपको पता है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव होगी। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वहां पर तो हमारे पास डिस्टेंस आया 1.25 मीटर। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि उसको 0 वेलोसिटी होने तक मींस जब हमने उसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया
उसकी एक हाइट तक आने के बाद वेलोसिटी हो जाती है जीरो, मीन्स 1.25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, इसके लिए यूज की हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास टी मीन्स टाइम की वैल्यू कितनी आई, 0.5 सेकेंड।